सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशीष नेहरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आशीष नेहरा है उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, ऐसा BCCI ने बताया है। तो आगे इस वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि जो 38 वर्षीय आशीष नेहरा है जिन्होंने इंडियन टीम में वापसी की है ऑस्ट्रेलिया के T20 सीरीज़ के लिए, जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी युवराज सिंह और सुरेश रैना कमबैक नहीं कर पाए, वहां पर आशीष नेहरा ने इंडियन टीम में कमबैक कर लिया है। हालांकि ये दूसरी बात है कि उनको जो है इस सीरीज़ में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आशीष नेहरा ने 38 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में वापसी की है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अभी जो BCCI ने बोला है कि जो आशीष नेहरा है वो नवंबर 1 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय करियर से, मतलब अपने पूरे करियर से संन्यास लेने वाले हैं और अभी वो जो है आगे से 2018 का IPL भी नहीं खेलेंगे। मतलब कि 1 नवंबर से आशीष नेहरा पूरी तरीके से क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, ऐसा BCCI ने बताया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आशीष नेहरा के पूरे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय उनके पूरे करियर की। तो उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट मैच, 120 वनडे और 26 T20 मैच खेले हैं, जहां पर उनके नाम 44 टेस्ट विकेट, 157 वनडे विकेट और 34 T20 विकेट है। दोस्तों, जो आशीष नेहरा है वो भारतीय मतलब टीम के लिए एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे अपने टाइम पे, जब उन्होंने 1999 में डेब्यू किया था मोहम्मद अजहरुद्दीन के कप्तानी में, और वो मतलब भारतीय टीम का हिस्सा थे जब भारत 2011 का मतलब विश्व कप जीता था। उस टाइम पे आशीष नेहरा भारतीय टीम के सदस्य भी थे। दोस्तों, नेहरा ने बोला है कि यही सही समय है कि आगे यंग बॉलर्स को मौका दिया जाए, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, जो कि भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वो जो है उनको आगे और मौके दिए जाए, जिसके चलते जो है आशीष नेहरा 1 नवंबर से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले हैं, ऐसा BCCI ने बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।